मिर्मिंडा के खिलाड़ी रुके रहेंगे क्योंकि चौथे स्थान तक इनाम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं और सभी खिलाड़ियों से परिचय करते हुए और वे जल्द ही टॉस की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। लाइनमैन भी तैयार कोट लेने का फैसला किया है। इस तरह से गारे की टीम रेडिंग करेगी। पहला रेड जो है एम्प्टी रेड होता हुआ यहाँ पर खाली रेड। अब देखते हैं दूसरा रेड गारे की ओर से क्या कर पाते हैं गारे टीम के खिलाड़ी। बहुत चतुराई भरा टीम टच क्लेम कर रही है, सबसे हो चुके हैं और निश्चित रूप से एक टच पॉइंट मिलता हुआ गारे की टीम को। इस तरह से गारे का टीम खाता खोलता हुआ एक रेड पॉइंट के साथ। हेलो हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे, दे रहे हैं ये तो टच हुआ है यहाँ पर गारे। इस तरह से खाता खुल चुका है खिलाड़ी टीम के रेबा के टीम का। गारे टीम से किसी का गाड़ी चाबी घूम गया है, कोई अगर किसी को मिल गई हो तो वे आराम से आराम पीछे 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 बोलोस मत तो पीछे। ये गारे टीम का 8 नंबर जर्सी वाला खिलाड़ी कहीं न कहीं बोनस पॉइंट लेने की कोशिश में ये और ये इस तरह से एक रेड पॉइंट लेकर आता हुआ खिलाड़ी दोबारा रेडिंग करते हुए 5 खिलाड़ी रह चुके हैं। यहाँ पे कोई बोनस लेने की कोई गुंजाइश नहीं मिलती है, यहाँ पे सिर्फ टच पॉइंट हो सकता है, रेड पॉइंट हो सकता है। हमारे अतिथिगण मैच का आनंद उठाते हुए, फाइनल मुकाबला का आनंद उठाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये किक मारने की कोशिश की और मिड लाइन पर खड़े थे लेकिन 5 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी तुरंत रेडिंग करते हुए, खतरा हो सकता था देवगांव की टीम के लिए। 5 खिलाड़ी शेष रह गए हैं, अगर निकाल रिवाइव करने की जरूरत है देवगांव के टीम के खिलाड़ियों को, जबकि एक भी खिलाड़ी बाहर नहीं है गारे की टीम से। ये पकड़ने की कोशिश की, एंगल होल्डिंग करने की कोशिश की लेकिन नाकाम। डू और डायरेक्ट, डू और डायरेक्ट होता हुआ गारे की ओर से। चलेगा क्या ये डू और डायरेक्ट सक्सेस होगा या न सक्सेस होगा? शायद टच क्लेम कर रहे हैं और टच सक्सेसफुल, 1 रेड डू और डायरेक्ट सक्सेस हो गया ये यहाँ पर। और यहाँ टच करने की कोशिश की, बॉक लाइन क्रॉस कर चुके हैं ये खिलाड़ी। 6 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी शायद सोच रहे हैं ये क्या किया जाए। कहीं ना कहीं उछल के लात मारने की कोशिश कर रहे हैं ये 8 नंबर जैसे वाले खिलाड़ी, जबरदस्त। और इनके सारे जो खिलाड़ी हैं एक कद काठी के हैं लगभग, और इनका शारीरिक विन्यास एक समान है और हट्टे कट्टे शरीर लंबे चौड़े खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी क्या कर पाते हैं देवगांव के? क्या ये दो खिलाड़ियों को अपने से हलक कर? 4 खिलाड़ी शेष रह गए हैं, अच्छी डिफेंड करनी होगी ताकि अपने खिलाड़ियों को रिवाइव करो, लेकिन दोबारा ये डिफेंडर आउट हो चुके हैं। क्या टेकल पॉइंट कर पाते हैं या रेडर अपना रेड पॉइंट लेके जाते हैं? बिल्कुल सक्सेसफुल टेकल यहाँ पर हुआ है,
इस तरह से रेडर आउट, वन पॉइंट मिलेंगे निश्चित रूप से गाड़ी की टीम को। शायद मुंह में हल्के चोट लगी। सुपर टेकल ऑन, यहां पर निश्चित रूप से दो पॉइंट मिलेंगे अगर टेकल कर लेते हैं तो। लात मारने की कोशिश की और यहां पर सुपर टेकल हो सकता था, लेकिन यहां पे चार पॉइंट मिलेंगे। कोर्ट क्लीन कर दिया यहां पर, और लड़ रह जाता है तो चुंबक की तरह चिपका रहता है जब तक ये छोड़ते नहीं है। दोबारा यहां पे अच्छे डिफेंड कर दिया गया कहीं ना कहीं, दी बात है। हाफ टाइम होने के लिए एक मिनट शेष रह गया है। यहाँ पर देवगांव की टीम कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ती नजर आ रही है, लेकिन प्रदर्शन जबरदस्त है दोनों टीमों का। अभी लात मारने की कोशिश की और यहाँ पर ये सक्सेसफुल रेड। इस तरह से अब बोनस पॉइंट भी हो सकता है अगर चाहे तो। जबरदस्त खेल चलता हुआ, महामुकाबला, फाइनल मुकाबला चलता हुआ इस सत्र का, फाइनल और अंतिम मुकाबला इस सीजन का। विनर कौन होगा, देवगांव या गारे? ये तो अगर ये पांच नंबर रेडी ऑल द मेंबर्स, यहां पर मैच शुरू हो चुका है। पहली रेडिंग सेकंड हाफ का देवगांव की ओर से ये लंबे कद के खिलाड़ी द्वारा कोशिश कर रहे हैं अपने स्कोर को बढ़ाने की, लात मारने की कोशिश। इस तरह से एम्प्टी रेड हुआ यहां पर। ये खिलाड़ी आठ नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी दोबारा आए हैं, हॉपिंग टच करने की कोशिश की लेकिन यहां पर नाकाम रहे। जबरदस्त एंकल होल्डिंग किया था, हो सकता है सुपर रेड यहां पे होता हुआ, सुपर रेड होता हुआ आठ नंबर जर्सी वाले रेडर के द्वारा यहां पे। इस तरह से गारे की टीम, इस टीम का जो तालमेल है वो जबरदस्त है। यूनिटी की देखा जाए तो सभी खिलाड़ी अपने में एक पूर्ण टीम के बराबर हैं। इस तरह से इनको डेस करने की कोशिश की और ये जो खिलाड़ी हैं रेडर आउट हो चुके हैं, वो भी पहुंच चुके हैं, उनका सादर अभिनंदन और धन्यवाद। माकड़ी सरपंच भी यहां पे पधार चुके हैं, उनको भी साधुवाद, धन्यवाद और अभिनंदन। अभी यहां पर गारे वर्सेस देवगांव के मध्य फाइनल मुकाबला चल रहा है। यहां पर वे इस मैच का आनंद उठाएं, फाइनल मैच का मुकाबला चल रहा है। फाइनल मुकाबला गारे वर्सेस देवगांव के मध्य यहां पे एक और ये खिलाड़ी ऑल आउट हो चुके हैं, पूरे तीन पॉइंट मिलेंगे निश्चित रूप से गारे की टीम को। पॉइंट रेडर बॉक लाइन क्रॉस कर चुके हैं, अच्छी डिफेंड करने की कोशिश की लेकिन लोबी पर जागे डिफेंडर और रेडर सक्सेसफुल रेडिंग करने में कामयाब हो चुके। इस तरह से गारे की टीम लीड करता हुआ यहां पर देवगांव की टीम से वासु रेडिंग करता हुआ दोबारा, और यहां पर रेडर आउट करता हुआ ये रेडर वापस चले गए। एम्प्टी रेड होता बनाकर तैयार रहते हैं लेकिन इस बार नाकाम, अच्छी पकड़ नहीं बना पाए। बाकी गांव वर्सेस गारे के बीच है और इस तरह से सक्सेसफुल रेड, इस तरह से एक पॉइंट मिलेगा देवगांव को। ये रेडर चतुराई वाला रेड करते हुए टेक्निकली, इनका जो खिलाने का टेक्निक है वो बहुत जबरदस्त है। ये खिलाड़ी आज यहाँ पर खेल रहे हैं, कल के दिन वे
राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल सकते हैं, अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं। करता हुआ ये आठवें नंबर चुके हैं, क्या इस खिलाड़ी को डिफेंड कर पाते हैं? नहीं, वापस एंट्री रेड होता हुआ गाड़ी की ओर से दोबारा ये खिलाड़ी चले गए हैं रेड करते करता हुआ। क्या ये खिलाड़ी अपना रेड सक्सेस कर पाते हैं या नहीं, देखते हैं ना। यहाँ पे कोशिश तो जारी है लेकिन आसानी से, इतना आसानी से और बाहर डेस कर दिया गया। इस तरह से टाइम आउट हो चुका है और दोनों टीमों के मध्य यहाँ पे फाइनल मुकाबला हो चुका है। अब हमारे सामने फोर्थ डिवीजन का विनर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से गारे की टीम ये जो मुकाबला है जीतती हुई, अच्छे फासले सारे खिलाड़ियों को तब कहना चाहिए। वे निश्चित रूप से दो गांव के खिलाड़ियों के साथ फोटो सेशन